दमोह तेजगढ़ निवासी शिक्षक महेंद्र दीक्षित के पुत्र विभांश उर्फ लकी दीक्षित का सड़क दुर्घटना में आकस्मिक निधन हो गया था, जिनके त्रयोदशी संस्कार के अवसर पर शिक्षक द्वारा 51 युवाओं को हेलमेट वितरित कर सभी को हेलमेट पहनकर बाइक चलाने का संदेश दिया। घटना के स्थिति अनुसार लकी के सिर में गंभीर चोट लगने से मृत्यु हुई थी। यदि लकी ने हेलमेट पहना होता तो उसकी जान बच जाती। राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक महेंद्र दीक्षित क्षेत्र में जनसेवी के नाम से जाने जाते हैं, जिनकी पत्नी ज्योति शिक्षित भी शिक्षिका है। दोनों ने श्रद्धांजलि सभा में कहा कि लकी मेरा बड़ा बेटा था, जिसकी असमय मृत्यु से मेरे परिवार को गहरा सदमा लगा है। भगवान से हम लोग प्रार्थना करते हैं कि किसी के साथ ऐसी दुर्घटना न घटे, साथ ही बाइक चलाते समय सभी लोग हेलमेट पहनकर चले। इस उद्देश्य को लेकर त्रयोदशी संस्कार में 51 लोगों को हेलमेट पहनाकर अपना जीवन सुरक्षित रखने का संदेश दिया। दीक्षित परिवार के इस पहल की सभी लोगों ने सराहना करते हुए सभी को बाइक चलाते समय अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनने की बात कही। कार्यक्रम में उपस्थित थाना प्रभारी के तिवारी ने कहा कि हम लोग हमेशा सभी को हेलमेट पहनने की बात तो कहते हैं और पकड़े जाने पर जुर्माना भी होता है, लेकिन समाज से इस तरह की जागरूकता से निश्चित ही अच्छा संदेश जाएगा। दमोह से अजीत सिंह राजपूत की रिपोर्ट।